मैं दूरदर्शन के संचालन से जुड़े सभी लोगों को भी बधाई देता हूं। साथियों, तेजी से बदलते समय में मीडिया और टीवी चैनल्स की भूमिका भी बहुत तेजी से बदल रही है। 21वीं सदी तो विशेष रूप से संचार और संवाद के जरिए रिवॉल्यूशन ला रही है। ऐसे में यह स्वाभाविक हो जाता है कि हमारी संसद से जुड़े चैनल भी इन आधुनिक व्यवस्थाओं के हिसाब से खुद को ट्रांसफॉर्म करें। मुझे खुशी है कि संसद टीवी के तौर पर आज एक नई शुरुआत हो रही है। मुझे ये भी बताया गया है कि अपने नए अवतार में संसद टीवी सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रहेगा और इसका अपना ऐप भी होगा। इससे हमारा संसदीय संवाद न केवल आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा बल्कि आम जन तक उसकी पहुंच भी बढ़ेगी। आज ये सुखद संयोग भी है कि 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है और बात जब लोकतंत्र की होती है तो भारत की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत के लिए लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, एक विचार है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ संवैधानिक स्ट्रक्चर ही नहीं है बल्कि वो एक स्पिरिट है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ संविधानों की धाराओं का संग्रह ही नहीं है, ये तो हमारी जीवन धारा है। इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इस दिन संसद टीवी का लॉन्च होना अपने आप में बहुत प्रासंगिक हो जाता है। वैसे भारत में हम सभी आज इंजीनियर्स डे भी मना रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया जी की जन्म जयंती पर ये पावन दिन भारत के मेहनती और कुशल इंजीनियर्स को समर्पित है। टीवी की दुनिया में तो ओबी इंजीनियर, साउंड इंजीनियर, ग्राफिक्स डिजाइनिंग से जुड़े लोग, पैनल संभालने वाले लोग, स्टूडियो डायरेक्टर्स, कैमरामैन, वीडियो एडिटर्स, कितने ही प्रोफेशनल्स ब्रॉडकास्ट को संभव बनाते हैं। आज मैं संसद टीवी के साथ ही देश के सभी टीवी चैनलों में काम करने वाले इंजीनियर्स को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, आज जब देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है तो हमारे सामने अतीत का गौरव भी है और भविष्य का संकल्प भी है। इन दोनों ही क्षेत्रों में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया जब किसी विषय